हाई यू वर्न एन वेलकम टू द कम्पलीट पाइथन सीरीज जिसमें आज हम कवर करेंगे अपने चैप्टर फोर को जिसमें हम डिक्शनरीज एंड सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी एंड सेट काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर इन्हें कह दें बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर जिन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली हम पाइथन के अंदर कोड करते हुए यूज करते हैं तो इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में इनके डिफरेंट मेथड्स के बारे में सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं आज के अपने इस चैप्टर के अंदर एंड हम सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ेंगे नहीं उससे रिलेटेड हम चीजों को कोड भी कर रहे होंगे साथ के साथ लास्ट में हम सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग साथ के साथ हमारे जो लेक्चर हैं उसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे जिन्हें हम जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पाइथन से रिलेटेड अगर कोई और टॉपिक हमें पढ़ना है तो वो सारे के सारे चैप्टर्स हमें इसी चैनल के ऊपर इस प्ले के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे जिन्हें हम जाके देख सकते हैं तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर फोर के साथ आई जीवन तो अब हम शुरुआत करने वाले अपने चैप्टर फोर के साथ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज एंड सेट्स के बारे में अब सबसे पहले डिक्शनरी की बात करते हैं पाइथन के अंदर जिस तरीके से हमारी रियल लाइफ के अंदर डिक्शनरी होती है डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं डिक्शनरी के अंदर हमारे वर्ड मीनिंग के पेयर्स होते हैं यानी हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक वर्ड होता है एंड फिर उसके जितने भी मीनिंग्स बन सकते हैं वो सारे एक जगह लिखे होते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड होता है फिर उसके मीनिंग्स लिखे होते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड होता है फिर उसका मीनिंग लिखा होता है तो इस तरीके से हमारी डिक्शनरी पेयर्स की फॉर्म में वर्क करती है यानी जोड़े की फॉर्म में जहाँ पर एक होता है वर्ड और एक होता है मीनिंग अब डिक्शनरी के अंदर हमारे जो वर्ड होते हैं वो की की तरह एक्ट करते हैं की की तरह एक्ट करने का मतलब है कि जब भी मुझे किसी वर्ड का मतलब ढूंढना होगा हम सिंपली उस वर्ड को सर्च करेंगे अपनी डिक्शनरी के अंदर जनरली हम मीनिंग को सर्च नहीं करते हम क्या करते हैं हम वर्ड के थ्रू सर्च की शुरुआत करते हैं तो इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पैर की की हो जाती है की मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ एंड मीनिंग क्या हो गया मीनिंग बेसिकली इस की एक वैल्यू हो गई तो इसी तरीके के अगर की वैल्यू पेयर टाइप इंफॉर्मेशन को हमें पाइथन के अंदर स्टोर कराना होता है तो उसे हम स्टोर कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी डेटा वैल्यूज अब इससे पहले हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है टपल्स के बारे में पढ़ा हुआ है जो बिल्ट इन होते हैं पाइथन के अंदर वैसे ही डिक्शनरीज एंड सेट्स भी बिल्ट इन होते हैं पाइथन के अंदर तो डिक्शनरीज आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर यानी एक की होगी फिर उसकी वैल्यू होगी एक की होगी फिर उसकी वैल्यू होगी तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए पहले एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह हम अपनी डिक्शनरी का नाम लिखते हैं फिर हम लिखते हैं इक्वल टू और करली ब्रेसिस के अंदर हम अपने की वैल्यू पेयर को लिखते हैं जैसे यहाँ पर ये एक सिंगल की वैल्यू पेयर हो गया जिसमें की है नेम जो हमारी एक स्ट्रिंग है बीच में हमने कोलिन के साथ इन्हें डिवाइड कर दिया और ये है वैल्यू जो भी एक स्ट्रिंग है उसके बाद ये हमारा दूसरा एक की वैल्यू पेयर है जिसमें ये हमारी की है एक स्ट्रिंग एंड ये हमारी वैल्यू है एक फ्लोटिंग वैल्यू तो इस तरीके से मल्टीपल की वैल्यू पेयर को हम क्रिएट कर सकते हैं एक अपनी खुद की डिक्शनरी बनाकर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टोरिंग सम इन्फॉर्मेशन कुछ इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर रहे हैं और इसे डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर करने के लिए हमें बस करली ब्रेसेस लगाने हैं और फिर हमें हमारे की वैल्यू पेयर्स को लिखना स्टार्ट करना है जैसे ये क्या हो गया ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई की एंड ये हो गई इसकी वैल्यू हम चाहें तो ऐसे ही एक नेम बना सकते हैं नेम हमारा क्या हो गया की हो गई एंड वैल्यू क्या हो गई वैल्यू के अंदर हम कोई भी नेम जो है वो ऐड कर सकते हैं ये एक और की हमारे पास हो गई एंड ये एक और वैल्यू हमारे पास हो गई तो इस तरीके से ये हमारी एक डिक्शनरी है हम चाहें तो अपनी डिक्शनरी को प्रिंट भी करवा सकते हैं इसे हमने नाम इंफॉर्मेशन दिया है लेट्स रन इट तो हमारे पास हमारी डिक्शनरी प्रिंट होकर आ गई एंड इसमें की वैल्यू पे सेपरेटेड है विद अ कॉमा ये एक सिंगल की वैल्यू पेयर है ये एक सिंगल की वैल्यू पेयर है हम चाहें तो ये जो वैल्यूज है इसमें स्ट्रिंग नहीं हम इसके अंदर दूसरे डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं जैसे अगर मैं एक की लूँ एज तो इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं लेट्स सपोज 35, 35 क्या हो गया एक इंटीजर हो गया अगर हम इज एडल्ट नाम की कोई की बनाते हैं तो उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं ट्रू ट्रू क्या हो गया एक बुलियन वैल्यू हो गई या फिर अगर हम मार्क्स नाम की एक की बनाते हैं तो उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 94.4 तो ये क्या हो गई एक फ्लोटिंग वैल्यू हो गई इस तरीके की सारी की सारी वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल होती हैं एक डिक्शनरी के अंदर हम चाहें तो लिस्ट एंड टपल्स को भी स्टोर कर सकते हैं यानी यहाँ पर लेट्स रिमूव दीज वैल्यूज़ एंड यहाँ दोबारा से नेम ऐड कर देते हैं नेम में तो हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू आ ही जाएगी उसके अलावा वी कैन क्रिएट अनदर की जिसे हम कह देंगे सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स के अंदर हम अपनी एक लिस्ट स्टोर करा सकते हैं ऑफ सब्जेक्ट्स इसमें हम पाइथन लिख देंगे इसमें हम सी लिख देंगे इसमें हम जावा लिख देंगे एंड सो ऑन तो ये क्या हो गई ये एक लिस्ट हो गई इसके अलावा टपल भी बनाया जा सकता है जैसे आज के जो टॉपिक्स हैं अगर उन्हें हमें स्टोर कराना हो तो हम एक टपल की फॉर्म में उन्हें स्टोर करा सकते हैं डिक्शनरी एंड सेट इसे कर लेते हैं सेफ एंड रन तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएंगे अब जो डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज होती हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे डेटा टाइप्स एक्सेप्टेबल होते हैं पर जो कीज होती है उसके अंदर हम लिस्ट को एंड डिक्शनरी को यूज नहीं कर सकते कीज जो है उसे हम स्ट्रिंग बना सकते हैं हम चाहे तो अपनी जो की है उसे कोई नंबर बना सकते हैं जैसे हमारी की सिंपली ट्वेल्व भी हो सकती है ये भी कंप्लीटली एक्सेप्टेबल होगा हम चाहे तो अपनी की को कोई फ्लोटिंग वैल्यू भी बना सकते हैं सेव किया री किया तो ये फ्लोटिंग वैल्यू भी हो सकती है ये बुलियन वैल्यू भी हो सकती है या फिर हम इसे चाहे तो एक टपल भी बना सकते हैं यानी बेसिकली ऐसी कोई वैल्यू होनी चाहिए जो एक बार असाइन कर दी तो फिर बाद में चेंज ना हो जैसे लिस्ट तो क्या हो सकती है लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं रिमूव भी हो सकते हैं चेंज हो जाती है वैसे ही डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है डिक्शनरी के अंदर भी एलिमेंट्स एड कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं डिक्शनरी चेंज हो जाती है पर क्योंकि टपल चेंज नहीं होता इसलिए सिर्फ टपल को हम की बना सकते हैं बाकी हम जनरली अपने प्रिमिटर टाइप्स को ही रखते हैं इनफैक्ट जो कई बार हम अपनी डिक्शनरीज देखेंगे उसके अंदर जनरली हम स्ट्रिंग्स को ही इनकाउंटर कर रहे होंगे तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम नहीं जाएंगे डिक्शनरी में कि हम टप्पल को अपनी की बना रहे हैं या हम फ्लोटिंग वैल्यूज को अपनी की बना रहे हैं या हम integers को अपनी की बना रहे हैं हम अपनी नॉर्मल जो की वैल्यूज है उनको स्ट्रिंग्स ही रख रहे होंगे क्योंकि मेजोरिटी सीनारियज में एज अ बिगिनर उसी तरीके से डिक्शनरीज हमारे लिए सेंस बनाती है अब हम चाहें तो साथ में अपनी डिक्शनरी का टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं जैसे इफ आई ट्राई टू प्रिंट टाइप ऑफ इन्फो ये आएगा हमारे पास डिक्ट टाइप यानी एक डिक्शनरी टाइप अब डिक्शनरी की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सबसे पहले डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मतलब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी चीज़ लास्ट में आएगी यानी जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं या फिर जो हमारी लिस्ट होती है या फिर जो हमारा टपल होता है इन सब के अंदर क्या होता है इन सब के अंदर कॉमन चीज क्या है कि इन सब के अंदर इंडेक्स होता है इंडेक्स किसी का जीरो है किसी का वन है किसी का टू है किसी वैल्यू का तो हमें पता चलता है कौन सी वैल्यू पहले आ रही है कौन सी वैल्यू बाद में आ रही है पर डिक्शनरीज के अंदर एज सच कोई इंडेक्स नहीं होता तो इसीलिए देर इज नो ऑर्डर इन डिक्शनरीज उसके अलावा डिक्शनरीज आर म्यूटेबल यानी इन्हें हम चेंज कर सकते हैं जैसे टपल को हम चेंज नहीं कर सकते टपल इम्यूटेबल होता था लिस्ट को चेंज कर सकते हैं लिस्ट म्यूटेबल होती है जैसे लिस्ट म्यूटेबल होती है वैसे डिक्शनरी भी हमारे पास म्यूटेबल होती है एंड हम डुप्लीकेट कीज को क्रिएट नहीं कर सकते अगर हम चाहें कि दो की हो जाए एक की का नाम नेम है दूसरी की का भी नाम नेम है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती डिक्शनरी के अंदर जैसे रियल लाइफ डिक्शनरी के अंदर भी जब हम वर्ड मीनिंग्स को स्टोर कराते हैं तो एक वर्ड एक ही बार लिखा जाता है हाँ उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हम एक साथ लिख सकते हैं पर एक वर्ड को हम एक ही बार लिखते हैं ऐसा नहीं है कि दस पेज बाद दोबारा से एप्पल की डेफिनेशन आ जाएगी या कैट की डेफिनेशन आ जाएगी तो वैसे ही यहां पर भी इन डिक्शनरीज के अंदर भी हम कीज को रिपीट नहीं करते हैं अब अगर हमने कोई भी डिक्शनरी अपने लिए क्रिएट की है उसकी अगर हमें वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो इंडेक्स की जगह हम क्या कर सकते हैं डिक्शनरी का नाम लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर अपनी की का नाम लिख सकते हैं और की के नाम के थ्रू हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आर इंफॉर्मेशन डिक्शनरी या इनको और बेटर नाम दूं तो इसे हम डिक्शनरी कह सकते हैं लेट्स कॉल इट डिक्ट तो अपनी इस इन्फॉमेशन डिक्शनरी के लिए हम इसकी वैल्यूज़ को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम प्रिंट करवा सकते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड उसके बाद अगर मुझे नेम को प्रिंट करवाना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं नेम उसी तरीके से अगर हम अपने टॉपिक्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं टॉपिक्स हम अपने सब्जेक्ट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं वी कैन राइट सब्जेक्ट्स एंड वी कैन राइट एज लेट्स रन इट तो हमारे पास ये सारी इंडिविजुअल वैल्यूज प्रिंट होकर आ जाएंगी लेट्स मेक इट अपना कॉलेज एंड सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगी अब यहीं पर अगर हम इस तरीके की कोई की लिख देते हैं जैसे नेम की जगह अगर मैं लिख दूं सरनेम, तो सरनेम क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता इस इंफॉर्मेशन डिक्शनरी के अंदर तो हमारे पास उस केस में एरर आ जाएगा हमारे पास एरर आएगा की एरर की सरनेम की इज नॉट प्रेजेंट इन दिस डिक्शनरी जैसे हम ऐसा कोई इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट के अंदर टपल के अंदर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो उसके साइज से भी बड़ा है या फिर साइज से भी छोटा है तो उस केस में जैसे हमारे पास एरर आता है वैसे ही यहां पर अगर हम ऐसी की पास करेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उस केस में भी हमारे पास एरर आएगा अगर हम चाहते हैं कि हम अपने नेम को चेंज करके कुछ और वैल्यू असाइन करें तो वो चीज करना भी पॉसिबल है हम सिंपली लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर नेम एंड इसे नई वैल्यू असाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं इक्वल टू यानी अपना असाइनमेंट ऑपरेटर एंड लेट्स सपोज आई असाइन दिस वैल्यू इसे सेव कर लेते हैं एंड एक बार फिर प्रिंट करवाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को लेट्स रिफ्रेश तो यहाँ पे क्या हो गया हमारी नेम की वैल्यू हमारे पास चेंज होकर आ गई एंड इसी तरीके से हम चाहें तो एक नई वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं जैसे इफ़ आई वांट नेम में हम ये चीज़ ऐड कर देंगे एंड यहाँ पर हम चाहें तो एक सरनेम वाली वैल्यू ले सकते हैं तो अब डिक्शनरी के अंदर नेम की वैल्यू ऑलरेडी रिप्लेस हो गई नेम था अपना कॉलेज पर उसकी वैल्यू को हमने री असाइन कर दिया तो नई वैल्यू यहाँ पर आ गई साथ के साथ एक और नया की वैल्यू पेयर हमने ऐड कर दिया जिस तरीके से हम असाइनमेंट करते हैं वैसे ही हम एक नए की वैल्यू पेयर को भी बहुत आराम से ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर तो so, इन सारे एक्शन से हमें पता चलता है डैट डिक्शनरीज इन पाइथन आर म्यूटेबल उनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं अब इसमें चाहे कि हम एक और नेम क्रिएट कर देंगे इस तरीके से लिखकर एक नई वैल्यू के साथ तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस केस में हमेशा क्या हो जाएगी पुरानी जो वैल्यू है वो ओवर हो जाएगी तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू की वैल्यू पेयर विद द सेम की पाइथन क्या करता है पुरानी ही की की वैल्यू को ओवर कर देता है और जरूरी नहीं है हम इसे स्ट्रिंग ही असाइन करें हम इसे कोई नंबर भी असाइन कर सकते हैं कुछ और वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा नेम ट्वेंटी हो जाएगा सिंपली इसी तरीके से हम चाहें तो हम एक एम्प्टी डिक्शनरी को भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट अ नल डिक्शनरी नल यानी एम्प्टी तो हम सिंपली लिख सकते हैं इस तरीके से पैरेंथिस तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होकर आ जाएगी हम चाहें तो इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी न माई नल डिक्शनरी इतने पार्ट को हटा देते हैं लेट्स सेव इट एंड रन इट तो एक नल डिक्शनरी आ गई एंड हम चाहें तो इसके अंदर वैल्यूज भी एड कर सकते हैं जैसे नल डिक्शनरी के अंदर आई वॉन्ट द नेम टू बीवल टू अपना कॉलेज लेट सेव एंड रन इट तो इस डिक्शनरी के अंदर फिर हमारे पास कोई वैल्यू आ गई तो कभी कभार ऐसे हमारे पास कोड सिनारियोज होंगे जिसमें हम एक एम्पटी डिक्शनरी एक नल डिक्शनरी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और फिर टाइमली उसके अंदर हम वैल्यूज को एड करना स्टार्ट करते थे अब डिक्शनरीज के अंदर ही हम बात करने वाले हैं नेस्टेड डिक्शनरीज के बारे में जब हमने कंडिशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ा था तो इफ़ एस के अंदर हमें पता है कि हम इफ के अंदर कोई भी अगर कंडीशन लिखते हैं तो उसके अंदर हम एक और इफ एल्स का ब्लॉक बना सकते हैं कुछ इस तरीके से इसे हम क्या कहते थे इसे हम कहते थे नेस्टिंग तो ये नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती थी अब जैसे हमने पहले भी बात की थी कि नेस्टिंग सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में नहीं होती दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हो सकती है तो यहां पर डिक्शनरी के अंदर नेस्टेडनेस लेकर आने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम किसी भी की ही वैल्यू को खुद अपने आप में एक डिक्शनरी बना सकते हैं जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डिक्शनरी कॉल्ड स्टूडेंट स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट की वैल्यू को हम स्टोर करा रहे हैं यहां पे हम चाहें तो अपने स्टूडेंट का नेम स्टोर करा सकते हैं नेम के अंदर लेट सपोज द नेम इज राहुल कुमार एंड हम चाहें तो उनके सब्जेक्ट स्टोर करा सकते हैं तो सब्जेक्ट्स को जब हम स्टोर कराएंगे तो क्योंकि एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं तो या तो एक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं कि भाई स्टूडेंट का सब्जेक्ट फिजिक्स है दूसरा सब्जेक्ट इनका केमिस्ट्री है एंड इस तरीके से बट अगर सब्जेक्ट के साथ मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स भी स्टोर कराने हैं वो कैसे स्टोर कराएं तो उसके लिए हम चूज कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे की वैल्यू पेस को स्टोर कराना है कि इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए तो उसके लिए हम एक और डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं विद सम समली ब्रेसेस तो हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फिजिक्स क्या हो जाएगा हमारी की हो जाएगी और उसके अंदर हम अपने मार्क्स लिख देंगे उसके बाद केमिस्ट्री लिख देंगे केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स लिख देंगे उसके बाद मैथ लिख देंगे मैथ के अंदर हम अपने मार्क्स लिख देंगे एंड इस तरीके से हम अपने सारी की सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी तो ये क्या हो गई डिक्शनरी के अंदर हमने एक और डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया तो इसी को हम नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं हम चाहें तो इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं वी कैन प्रिंट आ स्टूडेंट सेव किया रन किया तो ये हमारे पूरे स्टूडेंट की वैल्यू आ गई एंड हम चाहें तो स्टूडेंट के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं स्टूडेंट के अंदर अगर मुझे सिर्फ सब्जेक्ट्स को प्रिंट करवाना है तो सिंपली मुझे इस तरीके से एक्सेस करना है स्टूडेंट के अंदर सब्जेक्ट्स तो ये हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स आ गए अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये अपने आप में एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर लेट्स सपोज मुझे केमिस्ट्री के मार्क्स प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और फिर हम लिखते हैं अपनी एक और की इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट तो हमारे पास क्या आ गए केमिस्ट्री के मार्क्स आ गए तो अगर हमारे पास कभी भी नेस्टेड फॉर्म में डेटा अवेलेबल हो तो फिर हम इस तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाद दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को नेस्टेड डिक्शनरीज से निकाल सकते हैं अब नेक्स्ट जैसे हमने लिस्ट के अंदर मेथड्स पढ़े थे हमने टपल्स के अंदर मेथड पढ़े थे स्ट्रिंग्स के अंदर मेथड्स पढ़े थे वैसे ही हम डिक्शनरीज के कुछ कुछ स्पेशल मेथड्स को पढ़ने वाले हैं इनमें से सबसे पहला है हमारा डॉट कीज़ वाला मेथड यानी हमारी जो भी डिक्शनरी है उसमें अगर हम सारी की सारी कीज़ को लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिख सकते हैं डॉट कीज़ तो हमारे पास पूरी की पूरी सारी की सारी कीज़ का एक कलेक्शन रिटर्न होकर आ जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई डिक्शनरी इसके अंदर अगर मुझे सारी कीज़ को प्रिंट करवाना है तो आई कैन सिंपली राइट स्टूडेंट डॉट कीज़ एंड इस तरीके से पेरेंथिस इसे सेव कर लेते हैं एंड रन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया वी गेट समथिंग कॉल्ड डिक्ट कीज इट मीन्स डिक्शनरी की कीज़ तो ये एक तरीके से एक लिस्ट फॉर्मेट में हमारे पास आती है इस डिक्शनरी के अंदर कितनी कीज़ हैं एक की है नेम एक की है सब्जेक्ट्स नेस्टेड वाली कीज हमारे पास रिटर्न होके नहीं आती जो हमारी आउटर लेयर वाली सारी कीज है वो हमारे पास आएंगी तो नेम एंड सब्जेक्ट्स हमारे पास आ गया अब ये जो डेटा टाइप है डिक्ट कीज हम इसे चाहें तो एक नॉर्मल लिस्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल टपल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसके लिए हम टाइप कास्टिंग को यूज कर सकते हैं टाइप कास्टिंग को हमने स्ट्रिंग या इंटीजर या फ्लोट के लिए देखा है लिस्ट में टाइप कास्ट करने के लिए हम, लिए हम लिखते हैं लिस्ट और पेरेंथिस के अंदर अपनी वैल्यू को पास कर देते हैं जैसे अगर मुझे फ्लोट में टाइपकास्ट करना है तो मैं सिंपली लिख दूंगी फ्लोट और वैल्यू को अंदर पास कर दूंगी तो यहाँ पे वैल्यू है स्टूडेंट डॉट कीज और टाइप कास्ट किस में करना चाह रहे हैं लिस्ट में करना चाह रहे हैं तो इसे सेव कर लेते हैं रन करते हैं तो अब हमारे पास क्या आ गया अब हमारे पास ये लिस्ट आ गई जिसके अंदर हमारे पास नेम एंड सब्जेक्ट्स हैं हम चाहें तो अगर मुझे किसी भी डिक्शनरी की टोटल नंबर ऑफ कीज़ निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं या तो हम प्रिंट करवा सकते हैं लेंथ ऑफ स्टूडेंट जिससे क्या होगी डिक्शनरी की लेंथ आ जाएगी विच इज गोइंग टू बी टू यानी टोटल नंबर ऑफ की वैल्यू पेज तो सिंपली डायरेक्टली हम लेंथ के थ्रू भी कर सकते हैं या हम चाहें तो इस लिस्ट की भी लेंथ निकाल सकते हैं इस तरीके से एक और लेर हमने एड कर दी लेंथ की तो इसका भी आंसर हमारे पास टू आएगा तो बेसिकली यह हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं पहले हमने स्टूडेंट डिक्शनरी की सारी कीज निकाल ली फिर उसे लिस्ट के अंदर टाइपकास्ट कर दिया अब वो जो फाइनल लिस्ट हमारे पास आ गई उसकी हम लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चीज करना भी पॉसिबल होता है पाइथन के अंदर यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो अगर हमने पहले किसी और कोडिंग लैंग्वेज को नहीं किया तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है हमारा फंक्शन वाला चैप्टर आएगा जिसमें इस चीज को हम कंप्लीट डिटेल में समझ जाएंगे ये बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू शुरुआत में ही दे रही हूं ताकि हमें एक अच्छा फ्लेवर मिले डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को एक साथ यूज करने का नेक्स्ट मेथड जिसको हम यूज कर सकते हैं ये होता है हमारा वैल्यूज मेथड वैल्यू से हमारे पास एक कलेक्शन रिटर्न होता है ऑफ ऑल द वैल्यू सिंपली हम लिख सकते हैं डॉट वैल्यूज एक बार इफ आई राइट डॉट वैल्यूज इसे सेव कर लेते हैं रन करते हैं तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई जो नेम की वैल्यू थी राहुल कुमार एंड ये हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स वाली डिक्शनरी आ गई यहाँ पर क्या है टाइप यहाँ पर डिक्ट वैल्यूज करके है पर हम चाहें तो इसे भी अपनी लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई लिस्ट के अंदर पहली वैल्यू एक स्ट्रिंग है और दूसरी वैल्यू लिस्ट के अंदर ही एक डिक्शनरी है तो एक टाइप का जो डेटा टाइप है वो दूसरे किसी डेटा टाइप के अंदर जाके स्टोर हो सकता है हम लिस्ट के अंदर डिक्शनरी स्टोर करा सकते हैं डिक्शनरी के अंदर लिस्ट स्टोर करा सकते हैं तो इस तरीके से भी कई बार हमारा डेटा स्टोर होता है नेक्स्ट मेथड जिसकी हम बात करेंगे ये हमारा डॉट आइटम्स मेथड डॉट आइटम्स क्या करता है किसी भी डिक्शनरी के सारे के सारे की वैल्यू पेयर्स को रिटर्न करता है एज टपल्स जैसे यहां पर इफ आई राइट स्टूडेंट डॉट आइटम्स डॉट आइटम्स का मतलब है बेसिकली सारे पेयर रिटर्न होकर आ जाएंगे इसे रन किया तो ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया कैसे आ रहा है पेयर पेरेंथिस के अंदर आ रहा है पेरेंथिस यानी टपल्स की फॉर्म में तो ये हमारा टपल हो गया पहली वैल्यू टपल के अंदर की है दूसरी वैल्यू वैल्यू है ये हमारा सेकंड टपल हो गया सेकंड टपल के अंदर पहले इसकी की आ रही है एंड फिर इसकी वैल्यू आ रही है विच इज अ अंप्लीट डिक्शनरी इन सेल्फ तो इस तरीके से टपल्स हमारे पास रिटर्न होते हैं हम चाहें तो इसे टाइप कास्ट कर सकते हैं वी कैन टाइप कास्ट इट टू सम लिस्ट कुछ इस तरीके से लेट्स सेव एंड रन इट तो ये हमारे पास प्रॉपर एक लिस्ट आ गई लिस्ट के अंदर ये हमारा फर्स्ट टपल हो गया ये हमारा सेकेंड टपल हो गया हम चाहें तो इन टपल्स को इंडिविजुअली एक्सेस भी कर सकते हैं जैसे ये तो हमारी लिस्ट आ गई सारे आइटम्स की इसे हम नाम दे सकते हैं पेयर्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू और फिर पेयर्स के अंदर अगर मुझे फर्स्ट पेयर को एक्सेस करना है तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ पेयर्स ऑफ ज़ीरो रन करते हैं पेयर्स ऑफ जीरो क्या आ जाएगा एक टप्पल आ जाएगा जिसके अंदर नेम एंड वैल्यू स्टोर्ड है तो नेम था नेम राहुल कुमार इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट टप्पल आ जाएगा एंड हम चाहे तो अपने सेकेंड टप्पल को पेयर्स ऑफ वन की फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हैं नेक्स्ट मेथड हमारे पास होता है डॉट गेट मेथड डॉट गेट लिखकर अगर हम किसी भी की को पास करते हैं यहाँ पे डबल कोट नहीं होना चाहिए तो अगर हम किसी भी की को पास करते हैं तो ये मेथड हमें क्या रिटर्न करता है ये मेथड हमें उस की की वैल्यू रिटर्न करता है अब दो तरीके हो गए वैल्यू को रिटर्न करने के यानी एक तो है कि अगर हमारे पास कोई डिक्शनरी है डी उसके अंदर हमने इस तरीके से उसकी की की वैल्यू लिख दी तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा हमारे पास वैल्यू रिटर्न हो जाएगी या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं डी डॉट गेट एंड अपनी की इससे भी क्या होगा इससे भी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी तो दो एक तो नॉर्मल तरीका है और एक ये मेथड वाला तरीका है। दो तरीकों की क्यों जरूरत पड़ी हमें वैल्यू लेने के लिए उसको समझने के लिए पहले दोनों को एक बार लिख लेते हैं लेट सपोज आई वॉन्ट टू प्रिंट स्टूडेंट के अंदर उसका नेम एंड आई कैन ऑल्सो प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट नेम दोनों क्या देंगे दोनों मुझे सेम वैल्यूज देंगे सेव किया रन किया दोनों ने सेम चीज को प्रिंट करवा दिया पर अगर गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम टू और मैंने यहाँ भी लिख दिया नेम टू तो उस केस में क्या होगा मुझे हमने ऑलरेडी पहले देख लिया है और ये वाली जो लाइन है ये हमें कोई एरर रिटर्न करके नहीं देगी ये सिंपली मुझे क्या रिटर्न करेगी ये सिंपली मेरे लिए नन वैल्यू को प्रिंट करवा देगी जैसे एक बार सिर्फ इस लाइन को देखते हैं ये लाइन क्या करेगी कोई एरर नहीं देगी नन प्रिंट करवा देगी क्योंकि ये वाली की एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या रिटर्न होके आएगा मेथड से कुछ भी नहीं यानी खाली पर अगर हमने इस लाइन को यूज किया तो ये क्या करेगा ये हमें एरर दे देगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया तो ये डिफरेंस होता है जब हम नॉर्मली इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं वैल्यू को तो हमारे पास एरर आ जाता है और मेथड वाले तरीके से हमारे पास एरर नहीं आता तो एज अ बिगिनर हमें ये चीज देख के बहुत छोटी सी लग रही होगी तो क्या हो गया तो एरर आ गया तो कोई बात नहीं तो फिर हम ध्यान रखेंगे या इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे जिसमें अगर की गलत है पर एज अ प्रोग्रामर हमें बहुत सारे डेटा के साथ डील करना पड़ता है हमें बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं और उस केस में बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रैक करना ये चेक करना की एग्जैक्टली कौन कौन सी कीज किस डिक्शनरी के अंदर एक्सप्री

उस केस में हमारे कोड के अंदर जो बाद में सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी जैसे मैं यहां प्रिंट करवा दूँ हाय यहां मैं प्रिंट करवा दूँ वेलकम टू यहां मैं प्रिंट करवा दूँ अपना कॉलेज एंड यहां हम लिखते वी आर लर्निंग कोडिंग इस तरीके की पांच छह लाइनें मैंने सैम्पल लाइंस लिखी हुई अब ये जो लाइंस है इनके अंदर ऑब्वियसली कोई एरर नहीं है ये नॉर्मल मैंने सिर्फ प्रिंट करवाई हैं चीज़ें एंड इस तरीके से बहुत सारा लंबा कोड हो सकता है जैसे कोई नंबर हो सकता है ए जिसके अंदर वन हो सकता है बी जिसके अंदर टू हो सकता है सम जिसमें हम ए एंड बी का एक तरीके से सम करवा रहे हैं इस तरीके से बहुत लंबा सा कोड हो सकता है अब ये जो कोड है इसके अंदर कोई एरर नहीं है पर बीच में किसी लाइन में अगर एरर आ जाता है तो उसकी वजह से प्रोग्राम में क्या होता है जैसे ही हम किसी इस प्रोग्राम को रन करेंगे और जैसे ही हमारे पास एरर आ जाएगा एरर के बाद वाला वो कोड जिसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए जो बिल्कुल सही कोड है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता एंड दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग वाई प्रोग्रामिंग जब भी हम रियल लाइफ में काम करते हैं प्रैक्टिकल काम करते हैं कंपनीज के अंदर जाके काम करते हैं तो एरर्स तो आते ही रहते हैं प्रॉब्लम्स एरर्स तो आते ही रहते हैं बग्स भी आते ही रहते हैं पर उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोड रुक जाए इसका मतलब तो ये होगा कि वेबसाइट के ऊपर अगर कोई भी एरर आ गया तो पूरी की पूरी वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया तो वो एक अच्छा स्टेबल सिस्टम नहीं होगा तो इसीलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं रियल टाइम प्रैक्टिकल सिनारियोज के अंदर कि इस तरीके का कोड हम डायरेक्टली ना लिखें जिसमें अगर कोई भी एरर आ गया तो नीचे का सही कोड रन ही नहीं कर रहा उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसी सिचुएशन को मैनेज करने के

ये कभी ही नहीं होगा सेव करेंगे रन करेंगे बिफोर तो प्रिंट हो गया पर आउटपुट विंडो के का अंदर कभी आफ्टर प्रिंट नहीं हुआ यानी एरर के बाद कुछ भी काम नहीं हुआ तो इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास मेथड जाते हैं तो इसीलिए हमें मेथड्स की जरूरत पड़ती है नेक्स्ट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ विच इज माई अपडेट मेथड अब अपडेट मेथड के अंदर हम कोई भी एडिशनल नई डिक्शनरी पास कर सकते हैं या कोई भी की वैल्यू पेयर पास कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस करली ब्रेसिस जिसके अंदर जो भी की वैल्यू पेयर होंगे वो हमारी पुरानी डिक्शनरी के अंदर जाके ऐड हो जाएंगे अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्टूडेंट वाली डिक्शनरी है इस स्टूडेंट के अंदर हम इसकी सिटी भी ऐड करना चाहते हैं तो हम सिंपली लिख सकते हैं स्टूडेंट डॉट अपडेट इसे हम अपडेट कर देंगे विथ सम न्यू की वैल्यू पेयर सिटी सिटी के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर देंगे दिल्ली इसको सेव कर लेते हैं एंड इनफैक्ट प्रिंट कर देते हैं स्टूडेंट को सेव कर लिया रन किया तो स्टूडेंट के अंदर क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट के अंदर ये सिटी और दिल्ली की वैल्यू एक्स्ट्रा स्टोर होकर आ गई अब हम चाहते तो ये जो सिटी दिल्ली है इसे एक नई डिक्शनरी न्यू डिक्शनरी कह देते हैं इसे न्यू डिक्शनरी के अंदर भी स्टोर कर सकते थे और यहाँ पे अपनी अगर हम न्यू डिक्शनरी पास कर देते तो भी सेम आउटपुट आता यानी ओरिजिनल डिक्शनरी के अंदर चेंजेस हो जाते वो नई डिक्शनरी ऐड हो जाती पुरानी वाली अपडेट हो जाती हम चाहते तो इसके अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स भी रख सकते थे जैसे सिटी एंड डेली हो गया या फिर एज और यहाँ पर हम लिख दें लेट्स राइट सिक्सटीन इसको सेव कर लिया रन किया तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ हमारी डिक्शनरी के अंदर जाके अपडेट हो गई अब यहां पर जैसे अगर हम ये न्यू डिक्शनरी जब पास कर रहे हैं अगर हम इसमें कोई पुरानी की ऐड कर देते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ नेम ऐड कर दिया और नेम में राहुल कुमार की जगह मैंने नेहा कुमार कर दिया तो उस केस में क्या होगा उस केस में पुरानी ही जो वैल्यू है जैसे नेम की वैल्यू वो अपडेट हो जाएगी यानी ऐसा नहीं है कि न्यू डिक्शनरी के अंदर अगर हम सेम की को पास करेंगे तो एक नई की क्रिएट हो जाएगी क्योंकि हमने पहली बात कर दी डिक्शनरीज के अंदर डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं होती तो इसीलिए हमेशा ये वाली वैल्यू क्या होगी ओवर हो रही होगी ना कि एक नई डुप्लीकेट की क्रिएट हो रही होगी तो ये हमने मोस्ट कॉमनली यूज जो हमारी डिक्शनरी के मेथड्स हैं उनको सर्च कर लिया है जनरली जब हम डिक्शनरीज को यूज़ करेंगे बहुत ही रेयर केसेस आएंगे जब इनसे बाहर हमें मेथड्स को यूज़ करने की कोशिश करनी पड़े बट अगर इनको भी हमने अच्छे से कर लिया तो आई डोंट थिंक कोई नए मेथड्स को यूज़ करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सिंपली वी कैन राइट अ डिक्शनरी नेम एंड डॉट समथिंग तो ये सारे के सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो विजुअल स्टूडियो कोड भी हमें दिखा रहे हैं तो बहुत ईजी इजी मेथड्स होते हैं पर जो मोस्ट कॉमनली यूज है उनको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है जिनको हम डे टू डे लाइफ के अंदर पाइथन के अंदर कोडिंग करते हुए देख रहे होंगे अब नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर या नेक्स्ट डेटा टाइप जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दे आर कॉल्ड सेट्स इन पाइथन अब अगर मैथ बैकग्राउंड से हमारे हैं हमने नाइन टेंथ के अंदर मैथ पढ़ा था या इलेवन ट्वेल्थ के अंदर मैथ पढ़ा था तो मैथ्स के अंदर सेट्स होते हैं Python के जो सेट्स हैं, उन्हीं सेट्स की प्रॉपर्टीज़ पर थोड़े से बेस्ड होते हैं मैथ के अंदर सेट का मतलब होता है एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर सारी की सारी यूनिक वैल्यू स्टोर है यानी अगर हम नंबर्स को स्टोर करा रहे हैं तो नंबर्स यूनिक हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वन टू थ्री फोर स्टोर कराया तो ऐसा नहीं है टू को हम दो बार स्टोर करा सकते हैं एक ही बार हमारे सेट के अंदर जाके स्टोर होगा तो इसे हम मैथ के अंदर सेट कहते हैं वैसे ही पाइथन के अंदर सेट इज द कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड आइटम्स यानी जैसे डिक्शनरी के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता ऑर्डर नहीं होने का मतलब है बेसिकली कोई इंडेक्स नहीं होता वैसे ही सेट के अंदर भी कोई ऑर्डर नहीं होता कोई इंडेक्स नहीं होता कोई भी वैल्यू पहले आ सकती है कोई भी वैल्यू बाद में आ सकती है एंड ईच कलेक्शन इन द सेट मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल सेट के अंदर जितने भी आइटम होते हैं वो यूनिक होते हैं ऐसा नहीं है कोई नंबर कोई वैल्यू कोई स्ट्रिंग को हमने दो बार स्टोर करा दिया और सारे के सारे जो आइटम्स होते हैं सेट के वो इम्यूटेबल होते हैं यानी हम नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं इंटीजर को स्टोर करा सकते हैं फ्लोट को स्टोर करा सकते हैं क्यों क्योंकि जो नंबर वन है वन की वैल्यू ऐसा नहीं है कल को मैथ के अंदर चेंज होकर टू हो जाएगी या वन की वैल्यू वन पॉइंट सेवन 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 हो जाएगी वन हमेशा वन ही रहेगा यूनिवर्सल है वन वैसे ही फ्लोट में 2.9 अगर है तो वो हमेशा 2.9 ही रहेगा ऐसा नहीं है हो जाएगी उसकी वैल्यू या फिर अगर अगर हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग का भी लें हमने पाइथन के अंदर एक क्रिएट कर दी तो ये इम्यूटेबल है इसके अंदर अब कोई चेंजेस नहीं हो सकते या फिर अगर हम टपल का एग्जाम्पल लें तो टपल को भी हम अपने सेट के अंदर स्टोर करा सकते हैं क्योंकि एक बार हमने कोई टपल क्रिएट कर दिया अब इस टपल के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते या फिर अगर हम बुलियन का भी एग्जाम्पल ले लें ट्रू या फॉल्स ट्रू हमेशा ट्रू रहेगा फॉल्स हमेशा फॉल्स रहेगा तो ये सारी की सारी वैल्यूज अपने सेट के अंदर स्टोर कराना पॉसिबल है पर हम लिस्ट को सेट के अंदर स्टोर नहीं करा सकते हम डिक्शनरी को सेट के अंदर स्टोर नहीं करा सकते क्यों क्योंकि ये दोनों वैल्यूज म्यूटेबल होती हैं लिस्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं डिक्शनरी को भी हम चेंज कर सकते हैं इसीलिए सेट के अंदर कभी लिस्ट एंड डिक्शनरी स्टोर नहीं होती ये एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं जिनको अभी तक हमने पढ़ा है जिन्हें हम अपने सेट के अंदर स्टोर करा सकते हैं अब सेट को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं नम्स और जैसे डिक्शनरी को हम करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं वैसे ही सेट को भी करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं और सिंपली उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज लिखना शुरू कर देते हैं जैसे अगर मुझे एक सेट को क्रिएट करना है आई कैन सिंपली राइट लेट्स कॉल इट अ कलेक्शन कलेक्शन इज इक्वल टू कलेक्शन क्या है कलेक्शन मेरा एक सेट है जिसके अंदर मैंने अपनी चार वैल्यूज को स्टोर करा लिया हम चाहें तो कलेक्शन की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं या फिर हम चाहें तो टाइप ऑफ कलेक्शन को प्रिंट करवा सकते हैं लेट सेव इट एंड रन तो ये हमारे कलेक्शन की वैल्यू होगी टाइप क्या हो गया इसका टाइप हो गया सेट के इक्वल यानी इसे पाइथन रिकोगनाइज करता है एज अ वैलिड सेट सेट के अंदर डिक्शनरी की तरह की वैल्यू पेज नहीं होते सिर्फ वैल्यू स्टोर्ड होती है हम चाहें तो सेट के अंदर अपनी स्ट्रिंग वैल्यूज को भी स्टोर करा सकते हैं सेव किया रन किया तो ये क्या हो गई स्ट्रिंग वैल्यूज भी साथ में आ गई सेट में पर अगर हम चाहें कि हम एक ही वैल्यू को दो बार स्टोर करा देंगे इस तरीके से हम तीन बार टू स्टोर करा देंगे या हम वर्ल्ड को दो बार स्टोर करा देंगे तो सेट क्या करता है सेट उस केस में डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर करता है कोई एरर नहीं आएगा बस डुप्लीकेट वैल्यूज इग्नोर हो जाएंगी यानी जब सेट को हम प्रिंट करवाएंगे या कहीं भी यूज़ करेंगे अपने कलेक्शन को तो यहां पर क्या आएगा वर्ल्ड एक बार आ रहा है hello एक बार आ लिखा है ऐसा नहीं है वर्ल्ड यहाँ पे लास्ट में आएगा वर्ल्ड पहले आ गया या फिर अगर मैं यहां पर इफ आई राइट फोर रैंडमली तो फोर आ गया इस बार जो सेट प्रिंट हुआ है दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट यानी वन टू फोर इसमें पहले आ गए इससे पहले वन टू बीच में प्रिंट हुए थे यहाँ हेलो और वर्ल्ड साथ में आ गए तो इसीलिए सेट को हम अनऑर्डर्ड कहते हैं कोई ऑर्डर नहीं है ऐसा नहीं है जो चीज पहले लिखी थी हमने जो कोड में पहले लिखी थी वो पहले आएगी जो हमने बाद में लिखी थी वो बाद में आएगी इस तरीके का कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता एंड सेकेंडली डुप्लीकेट वैल्यूज इग्नोर हो जाती है इनफैक्ट अगर हम प्रिंट करवाना चाहे लेंथ ऑफ कलेक्शन तो लेंथ भी प्रिंट हो सकती है लेंथ यहाँ पे होगा हमारे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सेव करके अगर हम रन करें तो लेंथ आ जाएगी फाइव के इक्वल लेंथ ने भी क्या किया डुप्लीकेट आइटम्स को इग्नोर कर दिया इवन दो हमने यहाँ पर फोर फोर प्लस थ्री सेवन एट आइटम्स को इंक्लूड किया है पर फाइनल लेंथ में सिर्फ फाइव आइटम्स आएंगे क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज सेट्स के अंदर अलाउड नहीं होती इस चीज़ को हमें गांठ बांध लेनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स चाहे हम पाइथन के अंदर बनाएं चाहे हम किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर बनाएं जैसे जावा हो गई तो वहाँ पर भी हमेशा यूनिक वैल्यूज होती हैं सेट्स के अंदर अब ये हमने देख लिया कि सेट को क्रिएट कैसे करते हैं कि डुप्लीकेट या रिपीटेड एलिमेंट्स को सेट क्या करता है सिर्फ एक ही बार स्टोर करता है अब हम जानते हैं कि एक एम्पटी सेट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर हम सोचें कि सेट के अंदर कुछ इस तरीके का लिख के हम एक एम सेट को क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे हमें याद आना चाहिए कि ये जो सिंटैक्स होता है ये तो एक एम्प्टी डिक्शनरी का सिंटैक्स होता है दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट दिस इज एन एम्प्टी डिक्शनरी इनफैक्ट इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं इफ़ आई टाइप टाइप ऑफ कलेक्शन क्या आएगा दिस इज़ अ डिक्शनरी दिस इज नॉट अ सेट तो एम सेट को हमेशा क्रिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है सेट एंड उसके बाद पेरिंथिस तो इस तरीके का ये सिंटैक्स होता है सिंटैक्स यानी कोड को लिखने का सही तरीका तो मुझे अगर एम्प्टी सेट को क्रिएट करना है तो हम इस सिंटैक्स को लिखेंगे जैसे हम ये चीज लिखेंगे ये जो हमारा कलेक्शन है ये एक एम सेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा लेट्स रन इट तो इस बार क्लास में क्या आया इस बार टाइप में हमारे पास सेट प्रिंट होकर आया अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेट्स के कुछ मेथड्स के बारे में सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास एड मेथड ऐड के अंदर जो भी एलिमेंट हम लिखते हैं वो हमारे सेट के अंदर जाके ऐड हो जाता है और जैसे ऐड होता है वैसे रिमूव मेथड होता है सेट डॉट रिमूव करके हम जो भी एलिमेंट लिखते हैं वो हमारे सेट से रिमूव हो जाता है अच्छा एक चीज यहां पे नोटिस करनी है एक इंपॉर्टेंट चीज एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस सेट्स क्या होते हैं सेट्स म्यूटेबल होते हैं म्यूटेबल यानी सेट के अंदर नया एलिमेंट ऐड और रिमूव किया जा सकता है पर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स इम्यूटेबल होते हैं देर इज अ डिफरेंस क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कई बार हम डेफिनेशन के अंदर पढ़ते हैं ईच एलिमेंट इन द सेट मस्ट बी इम्यूटेबल तो कई बार हमसे कोई इंटरव्यू में पूछेगा सेट म्यूटेबल होता है या इम्यूटेबल तो गलती से हम इम्यूटेबल बोल देते हैं सेट तो म्यूटेबल ही होता है म्यूटेबल है कोई चीज मतलब चेंज हो सकती है तो तभी तो उसके अंदर हम एलिमेंट को एड कर पा रहे हैं रिमूव कर पा रहे हैं पर उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को हम चेंज ना कर पाएं तो इसीलिए सेट के एलिमेंट्स इम्यूटेबल होते हैं तो इसीलिए डॉट ऐड के अंदर हम टपल को पास कर सकते हैं पर हम लिस्ट को और डिक्शनरी को पास नहीं कर सकते तो सेट तो म्यूटेबल है पर उसके एलिमेंट्स इम्यूटेबल हैं अब मेथड्स को देखते हैं सेट के लेट सपोज वी क्रिएटेड एन एम सेट ये हमारा एम सेट हो गया कलेक्शन अब कलेक्शन के अंदर अगर हम कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना चाहें तो जैसे यहाँ पर अपने कलेक्शन को प्रिंट करवा देते हैं और अपनी कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना स्टार्ट करते हैं

अगर हम वन को रिमूव कर दें तो हमारे सेट में सिर्फ सिंगल वैल्यू बचेगी विच इज़ इक्वल टू टू अगर हम कोई ऐसी वैल्यू रिमूव करना चाहें जो सेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती जैसे सेट के अंदर सेवन एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में क्या होगा तो उस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा इट इज़ बेसिकली द सेम की एरर की एरर यानी जैसे डिक्शनरी के अंदर की एरर आता था कि वो की एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर एक तरीके से वो वैल्यू ही वो की है यानी की वैल्यू पेयर के अंदर की भी वही है वैल्यू भी वही है यानी हमारा सिंगल एलिमेंट तो वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा अब अपने कलेक्शन के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं हम चाहें तो यहाँ पर किसी स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं हम चाहें तो यहाँ पर एक टपल को भी पास कर सकते हैं जैसे ये हमारे पास एक टपल हो गई पर हम एक लिस्ट को पास नहीं कर सकते जैसे इतना लिखकर अगर हम रन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई ये हमारे पास हमारा सेट क्रिएट हो गया बट इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक लिस्ट बना के पास करने की कोशिश करते तो लिस्ट तो क्या होती है लिस्ट तो टाइम के साथ चेंज हो सकती है उसमें नए एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं रिमूव हो सकते हैं जैसे ही हम ये लाइन लिखेंगे इसके अंदर क्या होगा एरर आएगा सेव इट एंड रन एरर क्या आया अनहैशेबल टाइप लिस्ट कि हम लिस्ट को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि क्या है एक अनहैशेबल टाइप है अब ये अनहैशेबल टाइप का क्या मतलब होता है बहुत मैं छोटा सा ओवरव्यू दूंगी आपको बेसिकली जो भी वैल्यूज इम्यूटेबल होती हैं इम्यूटेबल यानी जो चेंज नहीं हो सकती उन्हें हम सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्यों क्योंकि इन वैल्यूज की एक हैश वैल्यू बन सकती है हैशिंग बेसिकली एक स्पेसिफिक uh, तरीका होता है एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम होती है जिसमें हम ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करके किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे अगर मेरे पास कोई वैल्यू है वन और दूसरी वैल्यू भी है वन तो दोनों की जो फाइनल हैशिंग वैल्यू आएगी वो सेम होगी तो इसीलिए पाइथन क्या करता है सेम चीज़ की तरह डिटेक्ट करता है पर अगर हम किसी लिस्ट का एग्जाम्पल ले लें ये मेरी लिस्ट है वन टू ये दूसरी लिस्ट है वन टू अब इसके अंदर हो सकता है कल को कोई चेंज आ जाए वन टू थ्री हो जाए तो इसकी हैश वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी तो ये क्या हो गई एक म्यूटेबल चीज हो गई अब म्यूटेशन के केस में जैसे ही ओरिजिनल वैल्यू में चेंज आएगा उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इससे क्या होगा इससे हमारा सेट का जो इंप्लीमेंटेशन है वो बिगड़ जाएगा तो इसीलिए सेट के अंदर जो वैल्यूज आती है वो सारी ऐसी होती है, values, जो अपने लाइफ टाइम के अंदर जो एक बार उनको जो वैल्यू असाइन हो गई जैसे टपल है टपल को एक बार जो वैल्यू असाइन हो गई उस वेरिएबल के लाइफ टाइम में उसकी वैल्यू को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या होगा उसकी फिर हैश वैल्यू भी चेंज नहीं होगी तो उसी तरीके से पाइथन के अंदर हमारे सेट्स इंप्लीमेंटेड होते हैं तो जब भी हम ये चीज पढ़े अनहैशेबल अनहैशेबल का मतलब है जो वैल्यूज चेंज हो जाए म्यूटेट हो जाए जिनकी हैशिंग वैल्यू डिफरेंट आ जाए बाद में जाके तो इसके अंदर जनरली हम अपनी डिक्शनरीज की बात कर रहे होते हैं या फिर हम अपनी लिस्ट की बात कर रहे होते हैं या फिर इनफैक्ट सेट्स की भी बात करते हैं क्योंकि सेट भी क्या होते है? Set भी होता है सेट भी इम्यूटेबल होता है नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड होता है क्लियर मेथड जो सेट को एम्प्टी करने के काम आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर इफ आई ट्राई टू प्रिंट द लेंथ ऑफ माई सेट सेव कर लेते हैं रन करते हैं लेंथ विल टर्न आउट टू बी फोर क्योंकि इसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं वन टू फिर एक स्ट्रिंग आ गई तीसरा एलिमेंट एंड फिर एक टपल आ गया फोर्थ एलिमेंट अब इसके अंदर इफ आई वॉन्ट टू क्लियर दिस सेट तो हम सिंपली लिख सकते हैं कलेक्शन डॉट क्लियर उससे हमारा सेट पूरा खाली हो जाएगा एंड लेंथ में नेक्स्ट टाइम प्रिंट होके आएगा जीरो रन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जीरो के इक्वल इसके अलावा हमारे पास एक पॉप मेथड भी होता है सेट के अंदर विच रिमूव अ रैंडम वैल्यू कोई भी रैंडम वैल्यू को रिमूव करके दे देता है जिसे अपने लिए हम एक कलेक्शन क्रिएट करने वाले हैं कलेक्शन के अंदर कुछ रैंडम स्ट्रिंग्स को हम स्टोर करा लेते हैं लेट्स राइट हेलो लेट्स राइट अपना कॉलेज लेट्स राइट वर्ल्ड लेट्स राइट लेट्स सपोज कोडिंग वी हैव पाइथन। तो इस तरीके से कुछ रैंडम वैल्यूज़ हैं हम क्या करने वाले हैं वी आर गोइंग टू कलेक्शन डॉट पॉप इस तरीके से तो जब इसे रन करेंगे हमारे पास वैल्यू आई है अपना कॉलेज तो इट्स नॉट लाइक अपना कॉलेज फर्स्ट इंडेक्स पे था या इस तरीके से कोई ऑर्डर है तो रैंडम ऑर्डर में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे लिए पॉप हो सकते हैं इसी तरीके से एक और वैल्यू को अगर हम पॉप कराना चाहें तो इस बार दो वैल्यूज पॉप हुई हैं पाइथन एंड हेलो ऐसा नहीं है दोबारा से पहली अपना कॉलेज हमारे लिए पॉप हो क्या है तो इस बार पाइथन रैंडमली उसने पिक किया है फिर हेलो को रैंडमली पिक किया है तो ये भी रैंडमली वैल्यूज हमारे पास पॉप कर प्रैक्टिकल सनारियो ये हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी सेट ऑफ यूनिक वैल्यूज है जिसमें से हम किसी रैंडम वैल्यू को जनरेट करवाना चाह रहे हो नेक्स्ट हमारे पास दो और काफी इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं सेट से रिलेटेड इनमें से पहला होता है यूनियन मेथड एंड दूसरा होता है इंटरसेक्शन मेथड अब मैथ के अंदर जिस तरीके से सेट्स वर्क करते हैं मैथ्स के अंदर भी सेट्स के अंदर यूनियन एंड इंटरसेक्शन होता है उसी तरीके से हमारा पाइथन का यूनियन एंड इंटरसेक्शन काम करता है सेट्स के अंदर यूनियन का मतलब होता है जब हम एक सेट लेते हैं एंड एक दूसरा सेट लेते हैं और इन दोनों सेट्स के अंदर जितनी भी टोटल यूनिक वैल्यूज बनती हैं उन वैल्यूज को मिलाकर हम एक नया सेट क्रिएट कर देते हैं यानी द यूनियन मेथड कंबाइंस बोथ सेट वैल्यूज एंड रिटर्न्स अ न्यू सेट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट वन है सेट वन के अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं वन टू एंड थ्री फिर हमारे पास दूसरा सेट है सेट टू सेट टू के अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं थ्री फोर एंड फाइव तो क्या हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास जो वन टू थ्री होगा वन यहाँ आ जाएगा टू यहाँ आ जाएगा थ्री यहाँ आ जाएगा एंड उसी तरीके से फोर यहाँ आ जाएगा फाइव आ जाएगा और थ्री हमने सिर्फ एक ही बार लिखा क्योंकि थ्री क्या है सेट वन और सेट टू के अंदर दोनों के अंदर कॉमन है तो सारी की सारी टोटल यूनिक वैल्यूज़ क्या हो गई जो फाइनल सेट निकल कर आएगा उसके अंदर क्या वैल्यूज होंगी उसके अंदर वैल्यूज होंगी वन टू थ्री फोर एंड फाइव ऐसा नहीं है कि उसके अंदर थ्री दो बार आ जाएगा तो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उन्हें सिर्फ सिंगल टाइम काउंट किया जाता है तो इसे हम कहते हैं अपना सेट का दो सेट्स का यूनियन इसी तरीके से हमारा पाइथन के अंदर यूनियन काम करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव आर सेट वन सेट वन के अंदर हमारे पास वैल्यूज है वन टू थ्री एंड वी ऑल्सो हैव सेट टू सेट टू के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं टू थ्री फोर या इन्हीं वैल्यूज़ के साथ काम कर लेते हैं एंड इफ वी वॉन्ट टू प्रिंट वॉट इज सेट वन डॉट यूनियन सेट टू गोइंग टू बी तो ये क्या आना चाहिए ये हमारे पास आना चाहिए वन टू थ्री एंड फोर के इक्वल क्योंकि इसमें टू भी दो बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार आएगा थ्री भी दो बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार आएगा तो हमारा आंसर होने वाला है वन टू थ्री एंड फोर के इक्वल अब यहाँ पर ये जो सेट वन डॉट यूनियन सेट टू है ये हमें एक नया सेट रिटर्न करता है ये पुराने सेट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करता यानी इसके बाद भी अगर हम सेट वन एंड सेट टू को प्रिंट करवाएं तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यूज को रिटर्न करेंगे ये हमारा सेट वन था एंड ये हमारा सेट टू था सो दिस इज हाउ यूनियन वर्क इन सेट एंड उसके अलावा इंटरसेक्शन की अगर बात करें इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स को कंबाइन करके जो उनकी कॉमन वैल्यूज हैं वो रिटर्न होगी इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू सेट फॉर एक्जाम्पल ये सेट वन है वन टू थ्री ये सेट टू है थ्री फोर फाइव इनमें कॉमन वैल्यूज क्या है सिर्फ थ्री तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू थ्री ऐसे ही अगर हमारे पास यानी सेट्स के अंदर जो हमारा इंटरसेक्शन है वो कॉमन एरिया इस एरिया से हम उसे हाईलाइट करके दिखाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सेट वन है जिसमें वन टू थ्री है सेट टू में टू थ्री फोर है इनका अगर मुझे इंटरसेक्शन चाहिए तो वो इंटरसेक्शन होने वाला है टू एंड थ्री के इक्वल जिसे हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई टू एंड थ्री तो ये हमने मोस्ट कॉमन मेथड्स को सेट्स के अंदर कवर कर लिया अब नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में वही चीज़ है कि एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेना है क्वेश्चन को समझ लेना है मेरे साथ में एंड उसके बाद एक बार अपने लेक्चर को पॉज करना है और खुद से एक बार सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है अगर हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते कोई बात नहीं आके फिर हमें सॉल्यूशन को देख लेना है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टोर द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग्स इन अ पाइथन डिक्शनरी तो पहला वर्ड है हमारे पास टेबल टेबल के लिए पहला मीनिंग दिया हुआ है पीस ऑफ फर्नीचर दूसरा मीनिंग दिया हुआ है लिस्ट ऑफ़ फैक्ट्स एंड फिगर्स दूसरा वर्ड है हमारे पास कैट उसके लिए हमें मीनिंग दिया हुआ है अ स्मॉल एनिमल तो इस तरीके से इन दोनों वर्ड्स को इनके मीनिंग्स के साथ हमें स्टोर कराना है अब मुझे पता है अगर मैंने एक डिक्शनरी बनाई तो उसके अंदर कैट क्या है सिंपल एक की वैल्यू पेयर है कैट की हो गई ये इसकी वैल्यू हो गई इसको स्टोर करने में आई डोंट थिंक कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए तो एक डिक्शनरी ही इसे हम कह देते हैं दिस डिक्शनरी इज गोइंग टू बी पहले कैट का मीनिंग स्टोर कर लेते हैं अ स्मॉल एनिमल इसे हमने स्टोर कर दिया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई अब जब हम टेबल का मीनिंग स्टोर कराएंगे तो यहाँ पे की तो एक है पर वैल्यूज क्या है ये वैल्यू वन है ये वैल्यू टू है दोनों वैल्यूज को साथ में कैसे स्टोर कराएं अब वैल्यूज के अंदर हम किसी भी तरीके से वैल्यूज को साथ में स्टोर करा सकते हैं हम चाहें तो इनको हम एक लिस्ट की फॉर्म में भी स्टोर करा सकते हैं या फिर एक टप्पल की फॉर्म में भी स्टोर करा सकते हैं लेट्स ऑफ फॉर अ लिस्ट तो यहाँ हमारा वर्ड हो जाएगा टेबल टेबल के दो मीनिंग्स हैं पहला मीनिंग हमारे पास हो जाएगा अ पीस ऑफ फर्नीचर एंड दूसरा मीनिंग हमारे पास हो जाएगा लिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इसे कर लेते हैं सेव एंड हम प्रिंट करवा सकते हैं अपनी डिक्शनरी को लेट्स सेव इट तो ये हमारी हमारे पास प्रॉपर डिक्शनरी आ गई है ये हमारा फर्स्ट की वैल्यू पेयर है एंड ये हमारा सेकेंड की वैल्यू पेयर है सेकेंड सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं सेकेंड सवाल हमें कह रहा है वी आर गिवन अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स हमें अज्यूम करना है कि एक क्लासरूम चाहिए हर एक सब्जेक्ट की क्लास लेने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है पाइथन तो पाइथन को स्टडी करने के लिए हमें एक क्लासरूम चाहिए सी प्लस प्लस को स्टडी करने के लिए हमें दूसरा क्लासरूम चाहिए ये सी वन क्लासरूम वन हो गया क्लास रूम हो गया एंड इस तरीके से हमें बताना है हाउ मेनी क्लासरूम्स आर नीडेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स अब सब्जेक्ट वाइज क्लासरूम होगा एक क्लासरूम के अंदर कितने भी स्टूडेंट आ सकते हैं ये हमें अज्यूम करना है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वैसे तो लिमिटेड ही स्टूडेंट्स हैं इन सबके सब्जेक्ट दिए हुए हैं हमें बताना है इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितने चाहिए होंगे तो पहले पेपर पेन पे सॉल्व कर लेते हैं पहला सब्जेक्ट हमारे पास क्या है पाइथन पाइथन के लिए हमें एक क्लासरूम चाहिए होगा तो पाइथन के जो ये वाला स्टूडेंट है ये वाला स्टूडेंट है ये वाला स्टूडेंट है, है ये सारे के सारे एक सिंगल क्लासरूम में आ जाएंगे उसके बाद जावा जावा के लिए भी हमें एक क्लासरूम चाहिए होगा तो जावा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे एक ही क्लास में आ जाएंगे फिर सी प्लस एस है सी प्लस द्स के लिए भी एक ही क्लासरूम चाहिए होगा सी प्लस एस के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाएंगे फिर जावा स्क्रिप्ट है जावा स्क्रिप्ट के लिए भी एक क्लासरूम चाहिए होगा और फिर सी है सी के लिए भी हमें एक ही क्लासरूम चाहिए होगा टोटल कितने क्लासरूम्स चाहिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव के इक्वल तो हमें जानना है कि पाइथन के अंदर हम इस वैल्यू तक कैसे पहुंच सकते हैं अभी तो हमने पेपर पेन के ऊपर काउंट कर लिया पर लॉजिकली अगर हमें ये सारा का सारा डेटा दिया हो तो हम टोटल नंबर ऑफ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अब ध्यान से अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स क्या हैं क्या हम कह सकते हैं जितने हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उतने क्लासरूम्स हैं जितने हमारे पास यूनिक सब्जेक्ट्स हैं उतने हमें क्लासरूम्स चाहिए तो क्या मैं कह सकती हूँ ये जो सारा का सारा डेटा है अगर हम इसे एक सेट के अंदर स्टोर कर दें और हम उस सेट की लेंथ निकाल लें तो जो भी उस सेट की लेंथ आएगी यानी सारी की सारी जो यूनिक वैल्यूज का काउंट आएगा वही काउंट क्या होगा वही काउंट हमारा टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स होगा तो सिंपली मुझे इस सारे डेटा को सेट के अंदर स्टोर कराना है फिर उस सेट की लेंथ निकालनी ले है तो अपने लिए हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं या लेट्स कॉल इट सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाइथन उसके बाद वी हैव जावा उसके बाद वी हैव सी प्लस प्लस वी हैव पाइथन अगेन जावा स्क्रिप्ट जावा पाइथन जावा सी प्लस प्लस एंड फाइनली सी अच्छा यहां पर एक चीज याद रखनी है कि इस सी प्लस प्लस को और इस सी प्लस प्लस को पाइथन क्या करेगा डिफरेंट स्ट्रिंग्स की तरह ट्रीट करेगा जैसे अब अगर हम प्रिंट करवाएं हमारे सब्जेक्ट्स को लेट्स सेव इट एंड रन तो यहां पे क्या हुआ सी प्लस प्लस दो बार रिटर्न होकर आया तो इसीलिए सेट्स के अंदर हमें केस का जरूर ध्यान रखना है कोई चीज लोअर केस में स्मॉल में लिखी हुई है और हम उसी चीज को रिपीट कराना चाहते हैं तो हमें उसे दोबारा से लोअर केस में लिखना पड़ेगा इट्स डिलीटेड एंड रन अगेन तो ये हमारे क्या आ गए सारे के सारे इंडिविजुअल यूनिक सब्जेक्ट्स आ गए और टोटल हमें कितने क्लास चाहिए होंगे जो भी इस सब्जेक्ट्स की लेंथ है सेव किया रन किया टोटल हमें फाइव क्लास चाहिए होंगे अपने इन सारे के सारे स्टूडेंट्स की क्लासेस लेने के लिए तो इस तरीके के प्रैक्टिकल सिनारीोज में ऑल ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है पर इसी तरीके के सिनारीोज में सेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे काम आती हैं नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू एंटर मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी स्टार्ट विद एन एम्प्टी डिक्शनरी यानी डिक्शनरी शुरुआत में कंप्लीटली खाली होगी और फिर वन बाय वन इसके अंदर हम सब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे तो बेसिकली सब्जेक्ट के नेम को हमें की बनाना है जैसे अगर हमारे पास केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को की बना लिया फिर उसके मार्क्स लिख दिए यानी उसकी वैल्यू लिख दी फिर क्या किया फिजिक्स को की बना लिया फिर उसके हमने मार्क्स लिख दिए एंड इस तरीके से हम अपनी डिक्शनरी को कम्प्लीट करेंगे सबसे पहले तो एक एम डिक्शनरी ले लेते हैं लेट्स कॉल इट मार्क्स इसे हमने इनिशलाइज़ कर दिया अब हम क्या करने वाले यूजर से इनपुट लेने वाले हैं सबसे पहले हम लेट्स सपोज अपने फिजिक्स के मार्क्स इनपुट लेंगे या सिंपली यहाँ पे फिजिक्स एंटर फिजिक्स ठीक है और ये जो मार्क्स होंगे इन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे टू सम इंटीजर वैल्यू लेट्स कॉल दिस वैल्यू एक्स एक्स के अंदर हमारे मार्क्स आ जाएंगे और हम यहाँ पर अपनी डिक्शनरी के अंदर ऐड करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं इवन दो वी एस कोड हमें क्या करता है मेथड सजेस्ट भी करता है पर हम अपडेट मेथड को यूज़ करते हैं अपनी डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए हम एक नया की वैल्यू पेयर पास कर देंगे की में हमारे पास फिजिक्स हो जाएगा एंड वैल्यू में क्या हो जाएगी ये वैल्यू एक्स जिसे यूजर ने इनपुट किया है तो ये हमारे फिजिक्स के मार्क्स एंटर हो जाएंगे ये हमारे मैथ के ये हमारे केमिस्ट्री के यहाँ पे मैथ लिखते थे एंड दिस

यू कैन टेक हेल्प ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप्स पहले तो इस सवाल को समझते हैं ये सवाल कह रहा है कि सेट के अंदर मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए कि सेट के अंदर नाइन और नाइन पॉइंट ज़ीरो मैं दोनों वैल्यूज़ को स्टोर कर पाऊँ तो अभी करंटली बिना एक्सटर्नल डेटा टाइप्स के हम एक बार इन वैल्यूज़ को स्टोर करके देखते हैं एक सेट के अंदर फॉर एग्जाम्पल वी क्रिएट सम सेट कॉल्ड वैल्यूज वैल्यूज़ को हम क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर मैंने स्टोर किया नाइन एंड नाइन पॉइंट ज़ीरो दो वैल्यूज़ को मैंने स्टोर कर लिया अब हमें सेट को प्रिंट करवाने वाले हैं तो अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लेते हैं लेट्स रन इट क्या आया हमारे पास हमारे पास सेट के अंदर सिर्फ वैल्यू नाइन आई क्योंकि पाइथन इस तरीके से बना हुआ है कि नाइन और नाइन पॉइंट जीरो को वो सेम वैल्यूज़ की तरह ट्रीट करता है यहां पर अगर नाइन पॉइंट टू फाइव होता और हम रन करते तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ होती पर क्योंकि नाइन और नाइन पॉइंट जीरो सेम ही होता है ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे एट और एट पॉइंट जीरो का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो उसमें क्या होगा एट को एक सिंगल वैल्यू की तरह सेट के अंदर स्टोर किया जाएगा क्योंकि एट और एट पॉइंट जीरो का जो हैश होता है जो फाइनल वैल्यू निकल कर आते हैं जिसके बेसिस पर हम सेट के अंदर वैल्यूज को स्टोर करते हैं वो सेम निकल के आती है तो इस तरीके से पाइथन वर्क करती है इस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते अब यहीं पर इंटरेस्टिंगली अगर हम नाइन को एज नाइन स्ट्रिंग की तरह सेव कर लें तो दोनों को सेपरेटली सेव कर पाना पॉसिबल है यानी इस तरीके से हम दोनों को सेपरेटली सेव कर सकते हैं तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे पास ये हो गया कि जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम किसी नंबर को एंड उसी नंबर को बट इन फ्लोटिंग फॉर्मेट सेम सेव करना चाहते हैं इन अ सेट तो हम एक को स्ट्रिंग बना के सेव कर सकते हैं तो दोनों वैल्यूज अच्छे से सेव हो जाएंगी या फिर इसी का ही अगर रिवर्स होता जैसे नाइन की हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती पर नाइन वैल्यू आ जाती तो उस केस में 9.0 फ्लोटिंग वैल्यू सेट के अंदर आ जाती और स्ट्रिंग के अंदर हम इंटीजर को सेव करवा पाते एक पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे पास ये आ जाता है दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है कि हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स को यूज़ कर लें जैसे डायरेक्टली नाइन तो क्या है नाइन एक इंटीजर है नाइन क्या है नाइन एक फ्लोटिंग वैल्यू है हम दोनों को इंटीजर एंड फ्लोटिंग वैल्यूज की तरह सेव ना कर पाए हम क्या कराएं दोनों का साथ में ये जो डेटा टाइप होता है इसे भी सेव करवा दें कैसे या तो हम पैर सेव करवा सकते हैं पैर मतलब हम टप्पल के अंदर पहले तो फ्लोट लिख देंगे एंड उसके बाद नाइन पॉइंट जीरो सेव करवा देंगे एंड एक दूसरा टपल सेव करवा देंगे जिसमें पहले इंटीजर है एंड उसके बाद नाइन वैल्यू तो ये हमारी वैल्यू वन सेव हो जाएगी ये हमारी वैल्यू टू सेव हो जाएगी दोनों को हम अपने सेट के अंदर सेव करवा सकते हैं अब की सुन के हमारे दिमाग में डिक्शनरी आ रहा होगा पर डिक्शनरी तो क्या होती है डिक्शनरी तो म्यूटेबल होती है डिक्शनरीज को सेट के अंदर ऐड नहीं कर सकते इसीलिए टप्पल के अंदर हम अपने पेयर्स को स्टोर करा सकते हैं तो ये दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन है जिसमें हम क्या करेंगे अपनी वैल्यूज़ नाम का एक सेट बनाएंगे जिसके अंदर पहले फ्लोट फ्लोट के अंदर क्या है वैल्यू नाइन पॉइंट ज़ीरो एंड फिर सेव करवा देंगे इंट इंट के अंदर क्या है वैल्यू नाइन तो इस तरीके से हम अपने लिए एक सेट को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ये क्या बन गया ये पहली वैल्यू बन गई ये दूसरी वैल्यू बन गई एंड इस तरीके से हमारे लिए नाइन एंड नाइन पॉइंट जीरो को सेपरेटली सेव करवाना पॉसिबल है तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन है जब हम स्ट्रिंग्स की फॉर्म में सेव करवाएं एक को एक पॉसिबल सॉल्यूशन है जब हम इस तरीके से पैर बना दें इन द फॉर्म ऑफ टपल्स तो आई होप कि इस चैप्टर के अंदर डिक्शनरीज एंड सेट्स के बारे में हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी जिनको फ्यूचर चैप्टर्स के अंदर हम और अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे यानी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं डिक्शनरी के सेट के जिनको हमें अच्छे से उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्यों क्योंकि अभी हमने लूप्स वाले कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा पर नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स के अंदर हम लूप्स को भी पढ़ेंगे हम फंक्शंस को भी पढ़ेंगे हम जानेंगे फाइनली कि जो टाइप में वो बार बार क्लास प्रिंट होके आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्लास या मेथड्स किस तरीके से काम करते हैं फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं बहुत सारे different different चीजें अभी हम और पढ़ने वाले हैं अपनी पाइथन सीरीज के अंदर बट आई होप कि आज के चैप्टर से जितना हमने टॉपिक्स को कवर किया वो हमारे दिमाग में उसकी क्लैरिटी होगी नोट्स आपको अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग